हेलो फ्रेंड्स, सरिताज क्रिएशंस पे आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं आपके लिए ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये हनीकॉम की तरह डिज़ाइन है। ये देखिए, इसमें आप जितने भी आपके पास फंदे हैं ये डिज़ाइन उसमें डल सकता है, चाहे ऑड नंबर में फंदे हों और चाहे इवन नंबर में फंदे हो, ये सब तरह से डल सकता है। इसको आप जैकेट, कार्डिगन, जेंट स्वेटर, बेबी स्वेटर किसी पर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड से पूरा इस तरह से आएगा ये। थोड़ा ऐसे लगता है जैसे डबल हो। इसमें ऊन भी आपकी थोड़ी ज़्यादा लगेगी। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने थोड़े से फंदे डाले हुए हैं दूसरी सिलाई में। स्टार्टिंग से मैं आपको इसको बता रही हूँ। देखिए, पहली सिलाई जो है ये मेरी फंदे डाल के उल्टी है, तो ये उल्टी सिलाई हम बनाएंगे पूरी। सीधी सिलाई में मैं आपको डिज़ाइन बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन। ये हमारी फर्स्ट रो है डिज़ाइन की। पहला फंदा हम ऐसे ही लेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे और ये एक फंदा बिना बिना उतारेंगे ऐसे। फिर धागा इस तरह से अपनी साइड ले आएंगे इसको। ये देखिए, धागा भी इधर है हमारा इस तरफ। अब ये फंदा हमने बिना बिना उतारा सीधा, और इसको ऐसे सिलाई पर से धागा अपनी साइड ले आएंगे और दो फंदे आगे के ये इकट्ठे बनेंगे। फिर एक फंदा बिना बिना उतारेंगे, फिर धागा ऐसे ले आएंगे सिलाई पर से, फिर दो फंदे हम इस तरह से इकट्ठे बिनेंगे। फिर एक फंदा बिना बिना उतारेंगे, फिर धागा आगे ले आएंगे अपनी साइड, फिर दो फंदे इकट्ठे ऐसे उल्टे बिनेंगे। फिर एक फंदा बिना बिना उतारेंगे, फिर धागा अपनी साइड ले आएंगे, फिर दो फंदे इकट्ठे बिनेंगे। फिर एक फंदा बिना बिना उतारेंगे, फिर धागा अपनी साइड ले आएंगे, दो फंदे इकट्ठे बिनेंगे। फिर एक फंदा बिना बिना उतारेंगे, फिर ये धागा जो हम इस पर ला रहे हैं, ये दो फंदे जो इकट्ठे बिन रहे हैं, वो ये एक फंदा यहाँ पर हमारा बढ़ जाता है साथ के साथ। अब ये दो फंदे इकट्ठे बिनेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर ये फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया है, यहाँ हमारा ये घट गया है। यही आपने ध्यान रखना है कि ये अगर इधर फंदा बढ़ा है तो इधर घटेगा, तो हम आगे ये फंदा बढ़ाएंगे नहीं इसको। ये तीन फंदे हमारे रह जाते हैं, तो हम इन्हें सिंपल बिन लेंगे ऐसे। देखिए, अब उल्टी सिलाई पर आ गए हैं। ये फंदा मैं ऐसे ही लेती हूँ बिना बिने, फिर धागा अपनी साइड करेंगे। ये उल्टी सिलाई है सेकंड रो। अब इसको एक फंदा उल्टा बिन लिया, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर दो फंदे एक्स्ट्रा थे। ये देखिए, तीन फंदे एक्स्ट्रा थे, ये बिन लिया। अब ये जो ये दो फंदे इकट्ठे बिने थे, ये वो वाला फंदा है। अब इस वाले फंदे को ऐसे इकट्ठा ऐसे बिन लेंगे, और फिर ये जो फंदा हमने लिया था ऊपर से, इसको ऐसे ही ले लेंगे। फिर दो फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह से। फिर ये जो हमने ऐसे ही लपेटा था, इसको सिलाई पर ऐसे ही ले लेंगे बिना बिने। फिर दो फंदे बिनेंगे, फिर ये एक फंदा ऐसे ही लपेटा हुआ इसी तरह से उतार लेंगे। फिर दो फंदे उल्टे बिनेंगे, फिर ये बिना बिना ऐसे उतार लेंगे। फिर दो फंदे उल्टे बिनेंगे, फिर ये बिना बिना फंदा ऐसे उतार लेंगे। फिर दो फंदे उल्टे बिनेंगे, फिर ये बिना बिना फंदा ऐसे उतार लेंगे। ये देखिए, अब ये यहाँ लास्ट में दो फंदे हैं, एक दो।
अब ये सीधी साइड है, थर्ड रो। अब देखिए ये फंदा हम ऐसे ही लेंगे इस तरह से, और ये जो फंदा इस फंदे के ऊपर आ रहा है, धागा अपनी साइड करेंगे और दोनों को इकट्ठा बिन लेंगे। ये देखिए दोनों को इकट्ठा बिना, फिर ये वाला फंदा ऐसे ही ले लेंगे बिना बिना, फिर धागे को इस तरह से लाएंगे लपेट करके, फिर इन दोनों को आगे ऐसे बिन लेंगे, फिर ये वाला फंदा उतारेंगे, धागा लपेटेंगे सिलाई पर, इन दोनों को इकट्ठा बिन लेंगे, फिर ये वाला फंदा ऐसे उतारेंगे, धागा सिलाई पर ऐसे लेंगे, फिर इन दोनों को इकट्ठा बिन लेंगे, फिर इसको उतारेंगे, फिर धागा लेंगे इस तरह से, फिर दोनों इकट्ठा बिन लेंगे, फिर ये वाला फंदा उतारेंगे, फिर धागा इस तरह से लेंगे सिलाई पर, फिर इन दोनों को बिन लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमने दो इकट्ठे फंदे बिने थे, तो यहाँ हमारा ये एक कम हो गया है, तो अब हमें यहाँ पर एक जाली डालते हुए फंदा बिनना है। अब ये फंदा हम ऐसे उतारेंगे और ये इस तरह से लपेट करके एक फंदा बिनेंगे, दो ना बना करके यहाँ पर हमें एक फंदा बिनना है इस तरह से, और आगे के ये दो फंदे, तो इससे हमारे फंदे ना घटेंगे और ना बढ़ेंगे, ये हमारे फंदे बराबर रहेंगे, नहीं तो हमारी ये जो डिज़ाइन है वो तिरछा चला जाएगा। बस यही ध्यान रखना है कि अगर इधर फंदा कम हुआ है तो इधर हमें एक फंदा बढ़ाना है, इस तरह से हमारे बराबर फंदे रहेंगे। अब ये देखिए ये उल्टी सिलाई है, ये फंदा ऐसे ही उतारा, अब ये देखिए ये दो फंदे यहाँ पर उल्टे आएंगे इस तरह से, अब ये वाला जो लपेटा हुआ फंदा है ऐसे उतारेंगे, फिर दो फंदे बिनेंगे, फिर लपेटा फंदा ऐसे उतारेंगे, फिर दो फंदे बिनेंगे, फिर ये एक फंदा उतारेंगे, फिर दो फंदे उल्टे, फिर ये जाली वाला ये जो लपेटा हुआ फंदा ऐसे उतारेंगे, फिर दो फंदे सीधे उल्टे, फिर इसको ऐसे उतारेंगे, पूरी सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट करते जाएंगे, और ये डिज़ाइन हमारा ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। अब फिर से हमारी सीधी साइड है ये, फिर से हमारा ये डिज़ाइन इसी तरह से बनेगा। ये देखिए ये पूरा ऐसे ही है मेरा डिज़ाइन। अब देखिए ये चौथी सिलाई है, चौथी सिलाई में आप ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर एक फंदा उतारा, अब ये देखिए पहले यहाँ हमने ये दो फंदे इकट्ठे बिने थे, अब ये एक फंदा हमारा अकेला है, तो इसको हम क्या करेंगे, धागा अपनी साइड लेंगे, इसको बिना बिने उतारेंगे, फिर धागा ऐसे लेंगे सिलाई पर से, फिर ये दो फंदे इस तरह से बिन लेंगे, फिर ये आगे का एक फंदा, फिर ये दो फंदे, फिर आगे का एक फंदा उतारेंगे, फिर धागा सिलाई पर से लेंगे, फिर दो बनाएंगे, फिर एक फंदा उतारेंगे बिना बिना, फिर धागा ऐसे लेंगे, फिर दो फंदे बनाएंगे, फिर एक फंदा उतारेंगे, धागा सिलाई पर से ऐसे लेंगे, फिर दो फंदे बनाएंगे, फिर एक उतारेंगे, धागा सिलाई पर से लेंगे, दो बनाएंगे। अब ये देखिए यहाँ बड़ा था तो ये यहाँ पर हम दो बनाए तो छोड़ दिया, आगे ये तीन फंदे हमें प्लेन बनाने हैं, एक दो, इससे ना हमारे फंदे बढ़ेंगे और ना कम होंगे। फिर उल्टी सिलाई फिर से वैसे ही आएगी, ये लपेटा हुआ हमें बिना बिना लेना है और ये दो फंदे उल्टे बनाने हैं, इसी तरीके से पूरे पैटर्न पर ये आपके डिज़ाइन चलता चला जाएगा। ये देखिए ये पूरा डिज़ाइन हमारा इस तरह से आएगा, इसको आप अपने किसी भी पैटर्न पर डाल सकते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन है। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।